आगे बढ़ते हैं। कानपुर में सिर्फ 2022 की रणनीति ही तैयार नहीं होगी बल्कि यहां पर जेपी नड्डा भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे जो कि 1000 वर्ग मीटर में बनाया गया है। इसमें ग्राउंड फ्लोर के अलावा 3 मंजिला इमारत बनी है। कानपुर ग्रामीण और दक्षिण का कार्यालय इसी भवन में होगा जबकि फर्स्ट फ्लोर में 300 लोगों की क्षमता का हॉल बनाया गया है। कुल मिलाकर भवन में 20 कमरे बनाए गए हैं जिसमें सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी बैठेंगे। तो भाजपा का क्षेत्रीय कार्यालय तैयार है, आज जेपी नड्डा इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस बीच सपा का विरोध प्रदर्शन भी जारी है और पार्टी कार्यालय के बाहर एक बैनर जो आप देख रहे हैं दूसरी तस्वीर में, उसे सपा की तरफ से चस्पा किया गया है। तो ये बैनर है जो सपा की तरफ से लगाया गया है और दक्षिण वासियों के लिए अस्पताल बना दिया गया। पहले भाजपा का कार्यालय, सवाल उठाया गया है कि अस्पताल बनता उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन यहां पर कार्यालय बना दिया गया, इस तरह का सवाल सपा की तरफ से उठाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कानपुर में होंगे, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं। बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन के साथ साथ उनका कार्यक्रम नए बने क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन का भी आपको तस्वीरें दिखाए। क्षेत्रीय कार्यालय ये बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी का और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का ये कार्यालय होगा। ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर की ये बिल्डिंग बनाई गई है जहां पर ग्राउंड फ्लोर में कानपुर के दक्षिण और ग्रामीण जिले के कार्यालय होंगे। आपको दिखाए ये तस्वीर, भव्य इमारत बनाई गई है क्योंकि कानपुर जिले के जो तमाम दफ्तर हैं वो किराए के मकानों में चल रहे थे और ये जमीन ली गई थी, इसके बाद इस पर दफ्तर बनाया गया है। आज जब जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह यहाँ पर होंगे तो इसका उद्घाटन किया जाएगा। यहाँ पर जो कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के 17 जिले हैं उनका मुख्यालय ये होगा, क्षेत्रीय कार्यालय होगा और उसे सेकंड और थर्ड फ्लोर में क्षेत्रीय जो पदाधिकारी हैं वो बैठा करेंगे। इसको सजाया जा रहा है। करीब 11:45 पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा यहां पर पहुंचेंगे, उनके साथ मुख्यमंत्री होंगे, उनके साथ उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह होंगे, महामंत्री संगठन सुनील बंसल होंगे और तमाम अन्य नेता होंगे जिनके बैठने की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन आपको अगर दफ्तर की तस्वीरें दिखाएं, देखिए मंच भी सजाया गया है और मंच के साथ साथ दफ्तर की अगर तस्वीरें दिखाएं तो काफ़ी भव्य दफ्तर बनाया गया है। इसके साथ ही 7 अन्य जिले हैं जहां के दफ्तरों का वर्चुअल इनॉग्रल किया जाएगा, वर्चुअल इनॉग्रेशन किया जाएगा, जिनमें से नोएडा है, गौतम बुद्ध नगर है, पीलीभीत है, कानपुर देहात है, तमाम ऐसे जिले होंगे जहाँ के दफ्तरों का वर्चुअल इनॉग्रेशन किया जाएगा फीता काट कर, नारियल फोड़ करके। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से सजावट की गई है। ये फर्स्ट फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पर कानपुर जिले के ग्रामीण और दक्षिण जिले जो हैं उनका कार्यालय होगा। इसके ऊपर 300 लोगों के बैठने का एक हॉल बनाया गया है और उसके ऊपर सेकंड और थर्ड फ्लोर पर क्षेत्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय पदाधिकारी बैठेंगे। तो कुल मिलाकर भव्य आलीशान बिल्डिंग कार्यालय तैयार किया गया है, दफ्तर तैयार किया गया है और यहीं से चुनावी रणनीतियाँ बनेंगी और विरोधियों को मात देने की रणनीति भी बनेगी। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा।